आएंगे, आप तो अपने घर तो है नहीं, आप वहाँ पे हॉस्टल के अंदर रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सारी चीज क्लियर करना है। जो आपकी कॉलेज वीजा होगा वो एक साल का होगा, उसके अंदर आपसे एक साल की कॉलेज फीस ली जाएगी, साथ साथ में हॉस्टल जो है आप वहाँ पे दिखाएंगे, हॉस्टल जो है बहुत ही जबरदस्त, सारी फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड है, सारी फैसिलिटीज वहाँ पे आपको है, और वेल फर्निश जो है वो किचन है और सारे रूम्स और सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है ओरिजिनल सीओई, एक जो है वो सॉफ्ट कॉपी है और एक हार्ड कॉपी, तो वो भी जो है आपको रिसीव हो जाएगा, सीओई लेटर जो है वो आप रिसीव कर देंगे। उसके साथ साथ आप जो है वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपकी सारी प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जापान के अंदर जो है वो आपका, वो लोग क्या करेंगे, जापानीज आपका क्या करेंगे, इंडियन का वेलकम करेंगे। और आप जानते हैं कि कितने डाउन टू अर्थ होते हैं, पिछले जो सेमिनार में थे और देखते हैं कितना उनको जो है लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका कितना अच्छा, तो वो आपका वहां पर जो है वो वेलकम। उसके बाद यहाँ पर जो कोर्स रहेगा आपका है ना वहां पे, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है यहाँ पे कि आपके एग्जाम कब होंगे, किस मंथ में होंगे, तो ये दिया हुआ है। अगस्त में जैसे ट्रेनिंग, ये थोड़ा सा मतलब अभी हम लोग एक मंथ आगे आ गए, तो ये उसको बता दीजिए। आप देख सकते हैं कि शॉर्टेज की वजह से उनको जो है वो हमारी